नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होते ही नगर निगम चुनाव में हलचल शुरू हो गया है। कई जो भावी प्रत्याशी हैं वार्ड पार्षद के, उन्होंने हामी भरना शुरू कर दिया है, लेकिन जो वर्तमान पार्षद हैं उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है उनसे हम बात करेंगे। इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है। अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 28 में और यहाँ के मुखिया, यहाँ के पार्षद हैं विनय कुमार उर्फ पप्पू। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इन पे बार बार लगातार इन पे भरोसा किया है, क्योंकि ये 20 वर्षों से यहाँ के जो पार्षद हैं इनके द्वारा जो विकास किया गया है तमाम मुद्दों पे इनसे बात करें। पहले तो आपको नव वर्ष का बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके जितने भी देखने वाले लोग हैं आपके चैनल को जी, उन सभी को नव वर्ष की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई जी। आप ये बताइए कि आप लगातार 20 वर्षों से इस वार्ड के जो है पार्षद हैं और नगर निगम में भी बोले तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो है। ये बताइए कि पहले आपने जो काम किया 15 साल पूर्व, लेकिन इन 5 वर्षों में क्या कुछ विकास किया, जो विकास का काम हुआ है? देखिए, इस वर्ष जो विकास का कार्य पटना नगर निगम के द्वारा हुआ है, न सिर्फ वार्ड नंबर 28 में बल्कि पूरे 75 पटना नगर निगम के वार्ड में जो भी विकास का कार्य हुआ, उस कार्य का मैं सारा श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो अपना संकल्प 7 निश्चय का लाया और उसके द्वारा कच्ची नली गली सड़क का निर्माण या जीर्ण शीर्ण सड़कों का निर्माण का कार्य जो पटना शहर में हुआ, वही एक कारण है कि आज जो पटना नगर निगम के वर्तमान जितने भी पार्षद हैं जो इस बोर्ड में हैं वो लोग कुछ काम कराने में और जनता के सामने जाने में अपनी इज्जत प्रतिष्ठा से पुनः वोट मांगने जा सकते हैं, इसके लिए श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है जी। तो ये आपके वार्ड में क्या कुछ विकास का कार्य हुआ है, जैसे सड़क है, नल जल पे हुआ है जी? देखिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय की योजना के तहत कच्ची नली गली के भी कई सड़कें बने, करीब 2 दर्जन से अधिक सड़क का निर्माण हुआ, उसके बाद लगभग 2 दर्जन जीर्ण शीर्ण सड़कों का भी निर्माण हुआ, कई का काम समाप्त हो गया, कई काम प्रगति पर है, उसके बाद पाइपलाइन का विस्तार भी हुआ, पूरा स्टेशन रोड में पानी का पाइप बिछा, गुड़िया टोली में बिछा, सालिमपुरहरा में, बनपर टोला में आदि में जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाए जाने का काम चल रहा है। और पिछले 5 साल पहले जो पटना का एग्जीबिशन रोड महत्वपूर्ण इलाका है वहाँ काफ़ी जल जमाव का समस्या उत्पन्न हो गया था ये ओवर ब्रिज बनने के कारण, तो मैंने काफ़ी प्रयास किया और लोगों का सहयोग भी रहा और हमने वहाँ पर जल जमाव के लिए ना हो इसके लिए हमने नाला का निर्माण कराया और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारा वार्ड नंबर 28 जल जमाव से पूरी तरह से निजात पा चुका है। और ये बताइए कि जैसे अभी जो कोरोना काल चल रहा है, तीसरा लहर है, तो इन कोरोना काल में आपका क्या कार्य रहा है? देखिए, एज ए वार्ड पार्षद सरकार का या नगर निगम का कोरोना काल में जनता को कुछ हम मदद कर सके, कुछ सहयोग कर सके, चाह के भी हम लोग नहीं कर पाए। जो भी व्यवस्था किए हम लोग खुद किए, हमारे वार्ड के लोगों ने उसमें सहयोग किया, जिस कारण हम लोगों ने बहुत लोगों को राशन मुहैया कराया, दवाई मुहैया कराया, जो भी करा सके, लेकिन पटना नगर निगम के द्वारा किसी भी वार्ड पार्षद को 1 रुपया का भी सहयोग जनता के कार्य में नहीं दिया गया जो कोरोना काल में। जो कोरोना का काल था जी। अच्छा, ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आप के द्वारा कितने लोगों का इस बार लिस्ट गया था और कितने को आवास मिला? देखिए, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, आप हमसे क्या पूछिएगा, हमने तो कई काफ़ी लोगों का हमारे वार्ड में जो बाहर के रहने वाले हैं या कुछ हैं उन लोगों का सूची बना के दिया, लेकिन वो कहाँ है कहाँ नहीं है इसकी जानकारी तो हमको तो नहीं है, अब बाकी वार्ड पार्षद को होगा तो हम नहीं कह सकते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 भी आदमी को आवास नहीं दिया गया नगर निगम में। आखिर कारण क्या हो सकता है? आखिर कारण यही है कि देखिए, काम का इंप्लीमेंट करने का तरीका बहुत जटिल है। पटना नगर निगम के बारे में पूरा जनता जो भी काम होता है वो पटना नगर निगम के तरफ ताकती है,
लेकिन पटना नगर निगम के अधिकार को बिल्कुल कुंद और समाप्त कर दिया गया है। जस्ट लाइक आप ऐसे कहिए कि टूथलेस टाइगर है, शेर है लेकिन उसके पास दांत नहीं है, आपके पास बंदूक है लेकिन उसमें कारतूस नहीं है, आप क्या कीजिएगा? ना पटना नगर निगम को अपना कर्मचारी बहाल करने का अधिकार है, कोई पदाधिकारी अगर मनमानी करे तो उसको एक वर्ष में हटाने का जो अधिकार था उसको भी छीन लिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पटना की वर्तमान मेयर है श्रीमती सीता साहू जी, उन्होंने कंप्लीट कभी नगर निगम के अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किया, वो हमेशा नतमस्तक रही, और जिसके कारण आज पटना नगर निगम का जो अधिकार के मामले में बात है तो पटना नगर निगम अधिकार के मामले में पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। आखिर ऐसा कारण क्यों है? जब ऐसा बिहार का राजधानी नहीं, बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पूरे बिहार में नगरीय व्यवस्था किया जाता है, तो ये पटना का ही नहीं हाल हो गया, ये पूरे जगह का हाल हुआ, पूरे बिहार का। और बड़ी आशा और विश्वास के साथ पूरे बिहार के महापौर और डिप्टी मेयर काउंसिल ऑफ बिहार का चेयरमैन सीता साहू को चुना गया था, लेकिन उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। सरकार निरंतर नगर निगम के अधिकारों को छीनती रही और ये मूक दर्शक बनी रही। सरकारी कार्यक्रम में जाके फोटो खिंचाना और पटना नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को संरक्षण देना इनका काम रहा। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो है मेयर का चुनाव पब्लिक के बीच है, तो आपका क्या है, आप भी खड़े हो रहे हैं क्या? अब देखिए कि पहले तो अब महापौर उप महापौर का जनता के द्वारा जो निर्वाचन करने का अधिकार सरकार ने दिया है, तो सर्वप्रथम पटना के जो मेयर हैं या बिहार के जितने भी मेयर हैं उन लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर हम जनता, अभी मेयर और डिप्टी मेयर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? वार्ड पार्षद के द्वारा, और वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र की जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अब सीधे जनता महापौर से जुड़ेगी, सीधे उप महापौर से जुड़ेगी, तो कैसे उसकी सेवा कर पाएंगे ये लोग? कौन सा अधिकार है? केवल चुनाव के तरीके को बदल देने से नहीं होगा, नगर निगम में बहुत सा चीज करना होगा। महापौर के पावर को आपको मजबूत करना होगा, डिप्टी मेयर को अधिकार देना होगा, वार्ड पार्षद अपने निर्वाचन क्षेत्र में, अब मान लीजिए कि मेयर को वार्ड पार्षद नहीं चुनेगा तो मेयर उसको महत्व दे ना दे, उसका मेयर पार्षद क्या बिगाड़ेगा? तो आप जब ये व्यवस्था कर रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर जो भी निगम पार्षद होंगे उनको आपको मजबूत करना होगा, उनको सशक्त करना होगा, उनको अधिकार देना होगा, उनके लिए फंड, उनके लिए बजट का प्रत्येक वर्ष आपको निर्धारण करना होगा, तब न जाके आप नगरीय व्यवस्था करिएगा। केवल मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के तरीके को बदल देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। अब उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि डिप्टी मेयर को आप जनता के द्वारा चुनवा रहे हैं, तो डिप्टी मेयर को बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत क्या अधिकार दिया गया है? डिप्टी मेयर एक वैकल्पिक व्यवस्था है, महापौर की अनुपस्थिति में वो काम करता है और स्टैंडिंग कमिटी में बैठता है, तो वो जनता के प्रति क्या जवाबदेही लेगा, या जब जनता उसके पास आएगी तो वो जनता को किस तरह से सेवा प्रदान कर पाएगा? ये बहुत यक्ष प्रश्न है। केवल व्यवस्था को बदल देना ही नहीं है कि हम चुनाव के तरीके को बदल दिए, अब जो चुनाव का तरीका बदल दिए तो महापौर के कार्यकलाप भी बदला जाना चाहिए, डिप्टी मेयर को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, अपने वार्ड में कोई विकास कार्य के लिए महापौर उप महापौर पर वार्ड पार्षद को आश्रित नहीं होना चाहिए। अगर महापौर मान लीजिए कि किसी पार्षद को महापौर कोई महत्व नहीं दे, तो अब तो पार्षद न महापौर को चुन सकता है न महापौर और उप महापौर को हटा सकता है, तो पार्षद को महापौर उप महापौर मान दे न दे क्या मतलब है? तो विकास कार्य के लिए पटना के 75 वार्ड के वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्र की जनता का सहयोग कर सके, उनका उनकी सेवा कर सके, तो उनको भी अधिकार दिया जाना चाहिए। बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार के मांग हम यही करते हैं कि ठीक है आपने चुनाव के तरीके को बदला है, तो महापौर को उप महापौर को निर्वाचित वार्ड पार्षद को तमाम ऐसी शक्तियों से मुहैया कराइए कि उनको अफसरों के सामने कटोरा लेकर भीख नहीं मांगना पड़े, वो अपने क्षेत्र की जनता का पूरे सम्मान के साथ सर उठाकर जनता की सेवा कर सके। जी अच्छा ये अंतिम सवाल आपसे ये कि अब आने वाला चुनाव है, 3 महीने के बाद फिर नगर निगम वार्ड पार्षद का चुनाव होगा,
तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, फिल्म कैसे जाएगी? देखिए, पटना नगर निगम का जो दायित्व है सफाई है, जैसे कि 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर निकायों को 18 अधिकार दिए जाने थे, लेकिन बिहार में बिहार सरकार ने मात्र 10 अधिकार दिए। न हमारे अंडर में शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, हमारे अंडर में है क्या? सफाई है, लाइट लगाने का काम है, और वो भी बहुत सा काम अब नगर निगम से छीन लिया गया है। नगर निगम के समानांतर आपने बुडको को खड़ा कर दिया, तो बुडको को रखने का क्या मतलब है? सही बात है। आपके पास जितना नगर निगम है उस नगर निगम को आप मजबूत बनाइए। अब आप तो मेयर का और डिप्टी मेयर का जनता के द्वारा चुनाव कराने जा रहे हैं, तो जब मेयर के पास पब्लिक जाएगा कहेगा हमको मेरा गली बनवाई दे, कहेगा वो बुडको देखेगा, अब बुडको में मेयर का कोई नियंत्रण नहीं, न उसके स्थापना पर नियंत्रण, न उसके बजट पर नियंत्रण, कोई नियंत्रण नहीं, तो फिर कैसे चलेगा ही? तो महापौर उप महापौर के चुनाव के तरीके को बदल देने मात्र से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर आप पार्षदों से ये अधिकार छीन रहे हैं कि उन्हें महापौर उप महापौर चुनने का अधिकार नहीं है, तो वो अपने क्षेत्र में किसी के ऊपर आश्रित न रहे विकास कार्य कराने के लिए, ये भी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड नंबर 28 के जो पार्षद हैं विनय कुमार उप पप्पू, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से मेयर उप मेयर का जो चुनाव होने वाला है, इसको जिस तरह से बिहार सरकार ने कहा है कि अब पब्लिक चुनेगी, तो जब पब्लिक चुनेगी तो उनको अधिकार होना चाहिए, और वार्ड पार्षद का क्या अधिकार होगा, इसको लेकर भी कहा है कि जो वार्ड पार्षद जो सिलेक्शन करते थे मेयर का उप मेयर का, तो इस पर तो कहीं ना कहीं राजनीतिक है समीकरण भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो इसको लेकर भी इन्होंने कहा है, बिहार सरकार से मांग किया है कि जब मेयर और डिप्टी मेयर का जो सिलेक्शन जो चुनाव होगा तो उनको भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। तमाम मुद्दों पर हम इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि इस लगातार ये 20 वर्षों से हैं, और 20 वर्षों से जो भी काम किए हैं जनता ने देखने काम किया है, अब जनता के बीच जाएंगे, और बिहार सरकार से भी इन्होंने मांग किया है कि जो भी विशेष पैकेज होगा वो वार्ड पार्षद को दें, मेयर और डिप्टी मेयर को भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए ताकि वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। बहरहाल जैसा कि इन्होंने कहा कि एक 18 सूत्री जो होता है, 18 अधिकार है, 74वें संविधान संशोधन के तहत 18 अधिकार दिए जाने थे सभी नगर निकाय के, देश के सभी नगर निकायों को, जो अभी, लेकिन बिहार की बिहार सरकार ने मात्र 10 अधिकार दिए, उसमें स्वास्थ्य गायब है, शिक्षा गायब है, अग्निशामन, टोटल चीज म्यूनिसिपलिटी के अंदर आना चाहिए था। तो हाँ, ये सब अभी 10 जो मिल रहा है, तो इनकी मांग है कि कम से कम 18। हाँ जी बोलिए। और दूसरा ये बात कि महापौर और उप महापौर का अगर आप जनता के द्वारा चुनाव कर रहे हैं, तो जब जनता के द्वारा चुनाव हो रहा है तो यह चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए, ये नहीं कि हमने चुनाव करा दिया और कोई काम हुआ तो उसकी बाहबही मंत्री जी ले ले, आ काम नहीं हुआ तो गाली मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद सुनता रहे, वो काम नहीं होगा। अगर आपने पब्लिक के थ्रू चुनाव कराने का निर्णय लिया है तो इससे सभी राजनीतिक पार्टी को इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, तभी जाकर कोई काम हो सकता है। अपनी जवाबदेही से राजनीतिक पार्टियों को भी नहीं भागने देना चाहिए और ना भागना चाहिए। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि पटना में अगर मेयर चुना गया तो किस पार्टी का चुना गया, अगर उस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है तो उसके इलाके का मेयर के साथ साथ जिस दल से मेयर और डिप्टी मेयर संबंधित होगा वो भी दोषी करार दिया जाएगा। आप उसको दलीय आधार पर छांट रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। तो आपने सुना कि जिस तरह से दिल्ली में, मुंबई में या जितने भी महानगर है वहां पे दलीय आधार पे नगर निगम का चुनाव होता है, तो इनका कहना है कि पार्टी लेवल पे होना चाहिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। बात सही है कि जिस तरह से महानगर में जो चुनाव होता है पार्टी लेवल पे, तो इनका भी मांग जायज है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहां के जो पार्षद हैं उनसे भी रूबरू होंगे, तमाम मुद्दों पे उनसे ही बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।